जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द फिगर 6.16 दैट इज़ गिवन इन द टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एनसीईआरटी बुक। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑन विच द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ बेस्ड, एंड व्हाट इज हाउ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी, the practical, okay, the steps of DNA fingerprinting. Everything I have taught you already. What is DNA polymorphism, means the difference that is arise, that is present in the DNA segment or DNA nucleotide sequences, and this DNA finger polymorphism is the basis of DNA fingerprinting. Okay, repetitive DNA, variable number of tandem repeats, all thing you must remember to understand the basis of DNA fingerprinting. In this video I am making you understand this example. Here the example is given how the DNA fingerprinting is performed. Okay, this is three sets of chromosome from three different sites, okay, from three different individual or for three different these are three different sets of DNA. This DNA is extracted from the crime scene. आपको मैं पहले ही बताई हूँ कि DNA fingerprinting का use to find out the suspect भी होता है, to find out the paternity प्रॉब्लम्स को जो आते हैं वो, जैसे टू फाइंड आउट द पेरेंट्स, रियल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड. तो एक केस है मानिए जिसमें क्राइम सीन हुआ, क्राइम हुआ एक जगह पर, और वहाँ हमें सस्पेक्ट को पता करना है और हमें नहीं पता है. आप ऐसे भी देखते होंगे सीरियल्स और पूरे ड्रामे में, क्राइम सीन जैसे ही होता है पुलिस आती है, सैंपल इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है. वो क्यों करती है? फॉर दिस डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड मेनी मोर थिंग्स ऑल्सो. तो आप सैंपल वहाँ से लिया गया, जरूर वहाँ से ऐसे सैंपल्स लिए गए जिसमें सस्पेक्ट या कल्प्रिट या विक्टिम सारे का कुछ ना कुछ उसमें सेल्स वगैरह पाए जाएंगे. लाइक आप देखते होंगे अधिकतर ग्लासेस से लिपस्टिक की दाग, या अगर टी कप पकड़ा गया है वहाँ से, अगर स्टेप्स मिल रहे हैं वहाँ से, ब्लड सैंपल मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है. तो सैंपल मिला, सेल का सैंपल मिला, और उस सैंपल से इन प्रोसेस के द्वारा ये सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया गया उस सेल में. ओके, जैसे एक सेल में तो पूरे ये अगर ह्यूमन बीइंग का है, और ह्यूमन बीइंग का ही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मेन प्रॉब्लम क्राइम सीन में, क्योंकि यहाँ क्राइम सीन की बात हो रही है तो इसका मतलब कुछ घटना की बात हो रही है और ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही होगा. उसमें बहुत सारे सेल्स रहेंगे, प्लस एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होगा. इमेजिन कीजिए उसमें ये क्रोमोजोम नंबर 2, 7 और 11 ऐसा मिला, इंटैक्ट मिला, इस तरह का क्रोमोजोम नंबर 2, 7 एंड 11, सॉरी क्रोमोजोम नंबर 16, 2 एंड 7, तीन क्रोमोजोम मिला. ओके, ये कहाँ से मिला? क्राइम सीन में. कैसे मिला? सेल मिला होगा, सैंपल मिला होगा, उससे हम लोग सेल को निकाले होंगे और इन सभी प्रोसेस के द्वारा आइसोलेशन किए होंगे, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज किए होंगे, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स किए होंगे, फिर इनका डीनेचुरेशन किए होंगे, मतलब इनके स्ट्रैंड को ब्रेक करके और सिंगल स्टैंडर्ड में लाए होंगे. ये स्टेप इस बुक में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है. फिर इसको नाइलन सीट पर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसको प्रोब की तरह यूज करेंगे. क्राइम सीट सीन का जो डीएनए होता है उसको प्रोब की तरह यूज किया जाता है, मतलब यही सैंपल, यही टूल यूज किया जाता है सस्पेक्ट को पकड़ने में. फिर इनको क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें इंटेंगल करके और लैब में इसको हम रख लिए. ओके, ये मेरे क्राइम सीन से हुआ. अब पुलिस क्या करेगी, जो जो सस्पेक्ट है उससे ब्लड सैंपल लेगी, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी. मानो ये राम है और ये श्याम है, तो उससे ब्लड सैंपल ली और श्याम से भी ब्लड सैंपल ली.
अब उसके ब्लड सैंपल से, उसके सेल से उसी क्रोमोजोम नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो क्रोमोजोम नंबर क्राइम सीन पर मिला। तो क्राइम सीन पे हमको मिला 16, 2 एंड 7। तो इंडिविजुअल वन राम का भी हम क्रोमोजोम नंबर 16, 2 एंड 7 ही सेपरेट करेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे इस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करेंगे। और इंडिविजुअल बी श्याम का भी हम लोग 16, 2 एंड 7 ही देखेंगे। अब बात आएगी, जब हमने ये डीएनए सेपरेट कर दिया तो आप यहाँ स्टेप्स को देखिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, इसको मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ। जब डीएनए को आइसोलेट करेंगे सेल से तो वो डीएनए पूरा बल्क में रहेगा, उसको हम लोग शॉर्ट नॉन फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इज एन एंजाइम जिससे डीएनए जो है एक डेफिनेट सिगमेंट पर जाकर टूटता है। ये एंजाइम एक डिफिनिट सिगमेंट को पहचानता है डीएनए का और वहीं जाकर ब्रेक करता है। फिर इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए सिगमेंट को फ्लो कराते हैं, सेपरेट कराते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। जैसे अगर हमको पहला, जैसे हमको सेल से डीएनए जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बल्क में मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, ओके। बड़ा छोटा फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, इसके अंदर ही ये ऐसे टूट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, सिंपल एक ट्रे होता है जिसमें यहाँ और यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ रहता है। और ये ट्रे नुमा जस्ट होता है, इसमें फीडिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाल देंगे होल में इस पॉइंट पर, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी प्लग से ऐड कर देंगे। डीएनए कैसा है, डीएनए हैज़ नेगेटिव साइन, देन इट विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल की तरह डीएनए की तरफ डीएनए तुरंत भागेगा। अब देखो कौन सा डीएनए पॉजिटिव पोल की तरफ जल्दी भागेगा, जो सबसे छोटा है, जो छोटा साइज में है वो जल्दी फ्लो करेगा और जो बड़ा है वो तुरंत फ्लो नहीं कर पाएगा। तो बैंड जो है ना अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज हो जाते हैं, मतलब सबसे बड़ा निगेटिव साइड की ओर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे बैंड जो है वो अरेंज हो जाएंगे, ओके। ये इसमें जेल भरा हुआ होता है जो पोरस होता है और इससे डीएनए जो है वो पास कर सकते हैं। एग्रोज जेल इसमें भरा हुआ होता है और इस एग्रोज जेल में होल्स होते हैं, मतलब पोरस होता है और उससे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं पास कर सकते हैं। इस तरह डीएनए फ्रैगमेंट्स का एक अकॉर्डिंग टू द साइज एक बैंड प्रिपेयर हो जाता है और पूरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गए, जो यहाँ पे पहली बार तो बल्क में थे, फिर फ्रैगमेंट्स में टूटे, फिर ऐसे साइज में अरेंज हो गए, ओके। और फिर हम इसको नाइलॉन शीट पे ऐसे इसका मतलब टैम्पलेट ले लेंगे, ऐसे मोल्ड, ऐसे छाप ले लेंगे फ्रॉम नाइलॉन सीट, यहाँ लिखा होगा बाय सॉदर्न ब्लॉटिंग, ओके। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का डायग्राम है, ओके। यहाँ पे हम डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन से, यहाँ डीएनए इस पूरे डीएनए फ्रैगमेंट्स को जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से ब्रेक कर चुके हैं, इसको फ्लो कराए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से। अब जैसे ही फ्लो कराएंगे, और फ्लो इसके पहले एम्पलीफिकेशन भी कराते हैं, मतलब डीएनए के अमाउंट को बढ़ाते भी हैं ताकि सैंपल हमारे पास एनफ रहे। तो फ्लो कराएं तो आप देखिए इसका साइज कैसे बटा, ये सेपरेट सेपरेट डीएनए हो गया। इसमें एक स्टेप ऑलरेडी था कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को, मैं बताई थी कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक करना है अल्कलाइन ट्रीटमेंट से। तो ये दोनों बैंड जो है वो सेपरेट हुआ, ये दोनों बैंड सेपरेट हुआ, ये दोनों बैंड सेपरेट हुआ। अब देखिए इसका जो क्रोमोजोम नंबर 16 का जो साइज है न्यूक्लियोटाइड का, वो मात्र इतना बड़ा है। इसका जो क्रोमोजोम का साइज है वो इतना बड़ा है, इसका जो क्रोमोजोम का साइज है वो इतना बड़ा है न्यूक्लियोटाइड। ये पेंटिंग कलर न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इतना बड़ा है,
ये इतना है और ये इतना है। देखिए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। और यहाँ न्यूक्लियोटाइड किसको लेंगे, सिंपल न्यूक्लियोटाइड नहीं, टैंडम रिपीट्स की बात कर रहे हैं। मतलब क्रोमोजोम नंबर 16 पे टैंडम रिपीट्स टू न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। क्रोमोजोम नंबर 16 के सेकंड वाले क्रोमोजोम पर, होमोलोगस क्रोमोजोम पर 1 2 3 4 5 टैंडम रिपीट्स हैं। इस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियोटाइड्स के टैंडम रिपीट्स हैं। इसमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स के टैंडम रिपीट्स हैं, इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स के टैंडम रिपीट्स हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये टैंडम रिपीट्स का साइज है। सबसे छोटा टैंडम रिपीट्स हैं क्या, डीएनए फ्रेगमेंट है जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड काफ़ी रिपीटेड अमाउंट में रहते हैं। अब देखिए ये सबसे छोटा है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करेंगे तो ये सबसे पहले जो है प्लस की ओर भागेगा, और ये माइनस साइन है इधर और इधर प्लस साइन है। ये सबसे छोटा डीएनए फ्रेगमेंट है तो वो तुरंत प्लस की ओर भागा। अब जैसे सबसे छोटा जो पतला छोटा दुबला पतला आदमी रहेगा वो तुरंत भागता है, जो मोटा तगड़ा और बड़ा रहता है वो थोड़ा धीरे धीरे भागता है। तो सबसे छोटा वाला फ्रैगमेंट सबसे दूर आएगा, प्लस दूर आएगा माइनस से, और प्लस से सबसे नज़दीक आएगा। इसी तरह ये स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, मतलब सॉरी होमोलोगस डीएनए में, ये एक स्ट्रैंड यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, ये 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 का है तो ये यहाँ आया। आप देखिए फिर ये उससे ज़्यादा बड़ा है, ये यहाँ उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ा है, ये यहाँ आएगा, और सबसे बड़ा है इसलिए ये यहाँ आएगा, और यहाँ कौन सा साइन है, माइनस। इस तरह एक हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फ्लो ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ बैंड मिल गया अकॉर्डिंग टू साइज। अब देखिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल ए का भी डीएनए सैंपल लिए, डीएनए को सेपरेट किए, डीएनए को फिर रेस्ट्रिक्शन इन जो न्यूक्लियस से डाइजेस्ट करवाए, और फिर इसको सिंगल स्टैंडर्ड में तोड़ेंगे अल्कलाइन ट्रीटमेंट में। आफ्टर दैट वी हम लोग उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बैंड को सेपरेट करेंगे। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बैंड को सेपरेट करेंगे तो इसका भी एक फ्लो बनेगा। नाउ इसमें आप देखिए क्रोमोजोम नंबर 16 में, इसका क्रोमोजोम नंबर 16 का माने इस क्रोमोजोम में कितने टैंडम रिपीट्स थे, कितने नंबर के, 1 2 नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स थे। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का ये है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा है, रेड वाला ये वाला सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा यहाँ आया है, और वो भी जो सबसे छोटा है वो 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड का 3 टैंडम रिपीट्स है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड के टैंडम रिपीट है। और यहाँ क्या है, 1 2, इससे भी सबसे छोटा ये है और इससे भी ये थोड़ा बड़ा ही है। तो ऑफ कोर्स देखिए डायग्राम में ये ब्लू वाला सबसे नीचे गया है और ये रेड वाला उससे ऊपर जा रहा है। ओके अब कोई क्रोमोजोम रहता जिसका एक ही रहता टैंडम रिपीट तो वो इससे भी नीचे आता। कोई क्रोमोजोम रहेगा जो 11 से ज़्यादा उसमें टैंडम रिपीट्स रहेंगे तो वो इससे भी ऊपर जाएगा। सो 3 तो फ्लो होके यहाँ आया। उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4, इसके बाद का नंबर कौन है, बड़ा वाला ये है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये वाला है एकदम, देखिए ऐसे ही फ्लो करता हुआ गया है। ये है आपका 3 नंबर वाला, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आप फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर वाला ये हो गया, उससे बड़ा ये है, 8 होगा इसमें, ये 8 हो गया, सबसे बड़ा ये है, 10 है, और इसमें कितना था, 11 था। देखिए इससे ये थोड़ा नीचे है और लेकिन इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सबसे ऊपर है, क्योंकि सबसे बड़ा इस इंडिविजुअल का डीएनए फ्रैगमेंट का फ्लो यहाँ आया है, और सबसे बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट का फ्लो जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स का है, जो कि क्राइम सीन सैंपल में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया गया था उससे आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस इंडिविजुअल इज बेचारा गुड पर्सन, ये क्राइम सीन पे एवन नहीं था, या ये इंडिविजुअल जो है वो विक्टिम कल्प्रिट नहीं है।
ओके। अब इसके बाद में ना इसको फिर हाइब्रिडाइजेशन भी कराया जाएगा, प्रोब से चेक किया जाएगा, एक्सरे फिल्म से देखा जाएगा कि कहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये सब भी। लेकिन इस जल इलेक्ट्रोफोरोसिस के मिलान से ही आप एक प्रैक्टिकल में, डायग्रामेटिक में, डायग्राम में, लैब में यहीं पे नहीं छोड़ा जाता है, डायग्राम में आपके एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आप इसी बेसिस पे बताइए कि ये जो सस्पेक्ट है वो रियल कल्प्रिट है या नहीं है, ये डायग्राम देखकर। तो अगर क्राइम सीन से किसी इंडिविजुअल का ये फ्रैगमेंट फ्लो का साइज मिल गया, देन क्योंकि इसके मिलने का मतलब क्या है, टैंडम रिपीट्स मिल गए, और टैंडम रिपीट्स कभी भी दो इंडिविजुअल के सेम नहीं होंगे एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। तो अगर ये टैंडम रिपीट्स का साइज ये है इस इंडिविजुअल में जो क्राइम सीन से आया था, तो उसी प्रकार के टैंडम रिपीट्स उस इंडिविजुअल में मिल गए, तो ऑफ कोर्स दैट इंडिविजुअल इज द कल्प्रिट, रियल क्राइम मेकर। अब आप यहाँ पे देखिए, ऐसे आप अब आप मुझे लगता है कि आप ऐसे देखकर समझ सकते हैं, यहाँ दो है, इसका भी दो है, ये पांच है टैंडम रिपीट्स, नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स 5, यहाँ 5 है, ये देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये इंडिविजुअल इज़ द कल्प्रिट, दैट इंडिविजुअल बी श्याम इज़ द कल्प्रिट। लेकिन लैब में तो आपको ये क्रोमोजोम ऐसे दिखेगा नहीं कि दिख रहा है कि ये टैंडम रिपीट्स इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, सो वी हैव टू गो फॉर द प्रोसेस। उसी तरह का सारे प्रोसेस इसमें होंगे, आइसोलेशन होगा, डाइजेशन बाय डिस्टिंक्शन इन न्यूक्लियज होगा, देन सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सॉरी सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड और होमोलोगस बैंड को ब्रेक किया जाएगा। सो आफ्टर दैट दिस होमोलोगस बैंड जो है वो ये क्रोमोजोम है, और ये क्रोमोजोम जो है वो अलग अलग है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। सेपरेशन ऑफ बैंड का मतलब कि इस होमोलोगस क्रोमोजोम भी आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, इसके इस बैंड को सेपरेट करना, सेपरेट करने के बाद ही वो हाइब्रिडाइजेशन से करवाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रूब से करवाया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपके होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसका भी जल इलेक्ट्रोफोरोसिस कराया जाएगा, और जल इलेक्ट्रोफोरोसिस कराने के बाद आप देख सकते हैं ये सेम सेगमेंट का, ये सेम फ्लो जो है इसका साइज, जहाँ ये जल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे ये बैंड स्टॉप किया था वहाँ बिल्कुल ये टैली करता हुआ जा रहा है। सो दिस इज़ द मेन पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, ये आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्रोमोजोम नंबर का सीक्वेंस दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ऐसे इतने बैंड्स हैं, यहाँ आए तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बैंड्स को काउंट कर रहा है ये, और ये क्राइम सीन का बैंड है, ये इंडिविजुअल 1 का है, ये इंडिविजुअल बी का है, और यहाँ पे बैंड को जल इलेक्ट्रोफोरोसिस कराने के बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम में यहाँ ये जल इलेक्ट्रोफोरोसिस का क्वेश्चन जो है, और इसी पे आपको क्वेश्चन आता है कि आप पहचानिए कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो क्राइम किया है, इसके बाद वाले प्रोसेस को हम लोग लैब में करते हैं। सो इन दिस वे आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसके टैंडम रिपीट्स को देखना है क्राइम सीन से जो कलेक्ट किया गया है, और फिर जिस भी इंडिविजुअल का टैंडम रिपीट्स आपको सेम मिल जाए वो दैट इंडिविजुअल इज़ द क्राइम मेकर। इसमें इंडिविजुअल बी जो है वो बिल्कुल इसकी तरह फ्लो कर रहा है, या आपको केवल एग्ज़ाम में ये डायग्राम दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो आपको लगता है कि इनोसेंट है, एंड कौन सा इंडिविजुअल जो है वो सस्पेक्ट है, या सस्पेक्ट नहीं कहेंगे, कन्फर्म क्राइम किया है। तो इस बैंड के साइज़ को देखेंगे, फिर जिस अननोन इंडिविजुअल का लिया गया है उसके बैंड के साइज़ को देखेंगे, और उसके फ्लो को देखेंगे, फ्लो का स्पेस देखेंगे, कहाँ पे किसका बैंड हुआ, और जो टैली कर जाएगा डैट इंडिविजुअल इज़ द सस्पेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर एकेडमिक क्लास 12th एग्ज़ाम, remember it, and in most of the cases the same condition arises, the same diagram is given in the exam, only the questions, the type of question differs, okay, diagram yahi rehta hai, types of question different rehte hain. So this is all about your DNA fingerprinting diagram that is given in your figure 6.6.